सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों YouTube पे कहीं ना कहीं आपने MIUI 9 Pro ROM के बारे में तो सुना ही होगा। ऑब्वियस सबने सुना ही होगा, जो Redmi के सभी मोबाइल यूज करते हैं उन्होंने सबने सुना ही होगा, जैसे Redmi Note 4 हो गया, Redmi 4 हो गया, 4A हो गया, सभी ने सुना ही होगा आखिरकार। तो आप सबने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि MIUI 9 Pro ROM यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो उनको मैंने उसी टाइम आंसर दे दिया था नहीं करने चाहिए। अब तो नहीं करनी चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैं कि इसके नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या है। तो आगे वीडियो में बने रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह शेखावत, आप देख रहे हैं शेखावत टेक्निकल। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। अगर MIUI 9 Pro ROM यूज करते हैं हम तो उसके फायदे क्या है। तो फायदा तो पहले ये आता है कि एकदम लाइट रोम है, हल्की रोम है, तो इसमें आपको ना कोई बग देखने को मिलते हैं। हाँ, बग देखने को मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बग देखने को मिलते हैं लेकिन इतनी कुछ खास नहीं है। इसमें आपको बैटरी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व कर दी जाती है, कोई बैटरी प्रॉब्लम नहीं मिलती इसमें आपको। रैम मैनेजमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि लाइट रोम में, तो अच्छा खासा रैम मैनेजमेंट मिल जाएगा हमें और जो भी अच्छी खासी बैटरी बैकअप मिल जाता है। और दूसरा फायदा आता है कि इसमें हमें फेस लॉक देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने फेस लॉक का, हमें इसमें फेस लॉक देखने को मिल जाता है। अब फेस लॉक तो सभी यूज करते हैं, फेस लॉक अलग हटके एक फीचर आता है, हम अपने मोबाइल को सामने रखें तो हमारे सामने फेस लॉक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। हाँ, होता है, फेस लॉक तो सभी में होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम ये दो फायदे हो गए, बस ये कुछ फायदे, चुनिंदा फायदे। इसमें अलग अलग फीचर देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको, और जो MIUI 9 स्टेबल में नहीं मिलते और MIUI 9 बीटा में भी नहीं मिलते वो फीचर्स में MIUI 9 प्रो में मिल जाते हैं, जो कि रशियन डेवलपर्स ने क्रिएट की है इस रोम को। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की, इसके नुकसान क्या है। तो इसके नुकसान तो सिंपल से यही है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। जैसे कल या परसों से टेकस्टार ने अपनी वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था उन्होंने इसके नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या है। नुकसान ही बताए थे, फायदे तो खैर नहीं, फायदे ही बताए थे उन्होंने, नुकसान ही बताए थे उन्होंने। तो नुकसान में ये भी बताया था कि आपका मोबाइल है वो हैक हो सकता है अगर आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल रोम नहीं है ना भाई। अब मैं भी इनको जो भी मेरे को कमेंट करता था MIUI 9 Pro ROM यूज करना चाहिए तो लिंक दे दो उसका, मैं कहां से डाउनलोड करना है हमें इसका उसको तो लिंक दे दो, तो उनको डाउट मेरे को ना कोई लिंक दे देता ना कोई उनको आंसर देता था। मैंने सोचा एक वीडियो प्रॉपरली बनाया जाए, उसमें आपको बता दिया जाए कि हमें इसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं इसको नहीं यूज करना चाहिए, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, हैक हो से आप इसका ना कोई इसमें आपको अपडेट मिलेगा, अपडेट दूसरा पॉइंट भी हमारे सामने आया था, ना कोई अपडेट मिलेगा आपको। अपडेट नहीं मिलेगा मतलब आपको एक कोई फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जहां से MIUI 9 Pro डाउनलोड करेंगे वहीं पे आपको अपडेट मिलेंगे, मतलब वहां से आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपको अपडेट करना है वैसे वैसे वहां से आपको, जैसे अपडेट आएगा कोई तो वहां पे फाइल आ जाएगी, तो वहां से फाइल डाउनलोड करो और TWRP से आपको फ्लैश करना, रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा आपको। तो कितना लफड़ा होता है, यह तो हमारे सामने एक तो स्टेबल है बीटा में अपडेटर में, एक तो हमारे सामने अपडेट आ जाता है वहां से डायरेक्टली हम अपडेट कर लेते हैं, और एक हमारे सामने आता है TWRP से, वहां पे जाओ पहले फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, फाइल डाउनलोड करने के बाद में हमें TWRP रिकवरी में जाना पड़ेगा, उसमें फ्लैश करनी पड़ेगी। अब किसी को आता भी नहीं है ये प्रोसेस, किसी को आती है किसी को नहीं आती है, तो हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कई सारी, हाँ देखनी भी चाहिए कोई बात नहीं, देखनी चाहिए हमें और सीखना चाहिए क्या किस तरह से हमें करना चाहिए, लेकिन इस रोम को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस रोम को इंस्टॉल करें अगर आपको, हाँ आपको कोई चिंता नहीं है कि हमें हमारा डेटा लीक हो जाएगा या हमारा मोबाइल हैक हो जाएगा, तो आपको अगर कोई चिंता नहीं है तो आप कर सकते हैं। रशिया में दोस्तों हैकिंग का थोड़ा सा सिलसिला वो याद चल रहा है अभी, जैसे मैं उन्हीं, आप सोच रहे हो कि द टेक स्टार की कॉपी कर रहा हूँ, हाँ आप बोल सकते हैं द टेक स्टार की कॉपी कर रहा हूँ, उन्होंने जैसे बताया, हालांकि मुझे पहले से पता था, तभी तो मैंने ना कोई इसकी वीडियो बनाई थी ना इसको इंस्टॉल करके दिखाया था, चाहता तो मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता, मैं ना इसको वीडियो, मैं ऐसा कोई व्यूज चाहिए नहीं ना इंस्टॉल करके बताने में, क्योंकि आपको इंस्टॉल करके बता दूं तो मेरे को कुछ व्यूज आ जाएंगे क्या हो जाएगा, कुछ ही नहीं है। अपने दूसरों को सिखाने से क्या मतलब है ऐसा कि इसमें आपको मोबाइल हैक हो जाए, ऐसा सिखाने से कुछ भी मतलब नहीं है। आपको मोबाइल में सिक्योरिटी जब ना रहे तो आपको मोबाइल में ऐसे रोम इंस्टॉल करने से मतलब क्या है। एक फेस लॉक के चक्कर में अगर आप MIUI 9 Pro में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हाँ अलग अलग फीचर मिल जाते हैं उसमें जो कि, लेकिन धीरे धीरे शायद MIUI 9 बीटा या फिर MIUI 9 स्टेबल में भी धीरे धीरे आने लग जाए, क्या पता फेस लॉक का फीचर, तो वेट करो यार, जिसमें हो उसी में रहो या फिर MIUI 9 बीटा में जा सकते हो स्टेबल से, इस तरह में जा सकते हो, चाइना रोम में जा सकते हो, लेकिन जिस जो ऑफिशियल है ही नहीं उसमें जाना चाहते हो आप, तो अभी यार उसके लिए कुछ आगे बोलने को है नहीं, जितना वीडियो बनाया जाए उतना कम हो जाएगा आपको समझाने में, बट आप मेरी बात क्यों मानेंगे, आप तो MIUI 9 Pro में जाएंगे क्यों, हमें फेस लॉक चाहिए, एक फेस लॉक चाहिए, जो मेरी बात मानते हैं वो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर देखे रखे डिस्क्रिप्शन में, सभी को
तो देखते लोग पूछते हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ तो मेरी बात मान जाते हैं। हाँ चलो आप बोल रहे हो भैया तो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम एमआई नाइन प्रो में नहीं जाएंगे, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरी बात मानते हैं। लेकिन जो नहीं मानते उनको क्या बोल सकता हूँ, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी, अगर आप समझ सकते हो तो आप ना जाए तो बेटर रहेगा, बाकी आपकी इच्छा भी डिपेंड करता है आप जाते हैं नहीं जाते। छोटी सी वीडियो बनाई थी मेरे को, एक तो बना दी छोटी, शायद लंबी भी हो गई होगी, बस तो आज वीडियो में इतना ही था। अब वीडियो देखने बहुत ज्यादा सुना है, लाइक बटन पर जोर से क्लिक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना बोलता है, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सबसे पहले देख पाए। तो बस आज वीडियो में इतना ही था, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए शेखावत टेक्निकल।